दिस इज शुभम गुप्ता। आज हम कवर करने वाले हैं सीरीज में अपना टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच। फिर वर्ड फिगर्स ऑफ स्पीच होती क्या है और उनका मीनिंग क्या है। ठीक है ठीक है, बनवाए अपन स्टार्ट करते हैं। पहले हम आज कवर करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, बाद में हम उसके टाइप्स कवर करेंगे। तो हम काफ़ी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज बनाएंगे, इसके अंदर हर एक टॉपिक का एक सेपरेट वीडियो होगा। ठीक है, तो पहले क्लिप अब बनाते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर। अब ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ये देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। फिगर ऑफ स्पीच इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट पजेसेस अ सेपरेट मीनिंग फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग। इट कन्वेज मीनिंग बाय आइडेंटिफाइंग और कंपेयरिंग वन थिंग टू अनदर। मतलब क्या कह रहा है ये? इट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ, फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा वर्ड है, फिगर ऑफ स्पीच ऐसा वर्ड है डेट पजेस अ सेपरेट मीनिंग। मतलब उसका जो रियल जो मीनिंग होता है वो सेपरेट होता है। इस यहाँ पे आप लिख सकते हो डेट पजेस अ सेपरेट रियल मीनिंग। सेपरेट क्या? रियल रियल मीनिंग है ना, आप लिख सकते हो यहाँ पे सेपरेट रियल मीनिंग। डेट पजेस अ सेपरेट रियल मीनिंग फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग। इसका लिटरल मीनिंग कुछ और होता है बट रियल मीनिंग कुछ और ही होता है। तो ये लिटरल मीनिंग और रियल मीनिंग के बीच में जो डिफरेंस बताता है वही हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है। अच्छा सर, तो लिटरल मीनिंग होता क्या है? लिटरल मीनिंग क्या होता है? लिटरल मीनिंग बेसिकली हमारा होता है जब भी हम किसी सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? वर्ड बाय वर्ड जब भी हम किसी सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते हैं जब हम किसी सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें जो मीनिंग पता चलता है, जो हमारे पास जो मीनिंग आता है सेंटेंस का, जब भी हम किसी सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं तो जब उसका सेंटेंस का मीनिंग आता है उस मीनिंग को हम बोलते हैं लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग। बट क्या होता है, कभी कभी ना सेंटेंस में लिखा कुछ और होता है बट मीनिंग रियल में कुछ और ही होता है, कुछ और ही होता है। तो वो क्यों होता है? तो वो होता है फिगर ऑफ स्पीच की वजह से। या फिर आप कह सकते हैं सर, जो रियल मीनिंग में पता चलता है ना, वो रियल मीनिंग हेल्प फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प कौन करता है? फिगर ऑफ स्पीच हमें हेल्प करता है। सर क्लियर नहीं हुआ बिल्कुल भी, मुझे समझाओ दोबारा से। ठीक है समझाता हूँ, अभी हम और पढ़ेंगे दोबारा से। सर ये एक सेंटेंस है, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। अब इसका लिटरल मीनिंग देखोगे तो लिटरल मीनिंग क्या होगा? लिटरल मीनिंग मतलब वर्ड बाय वर्ड सेंटेंस को पढ़ो। सर वर्ड बाय वर्ड पढ़ा मैंने, सर टाइम है एक इसके अंदर वर्ड, एक इसके अंदर वर्ड है मनी। ठीक है, टाइम मनी है, टाइम पैसा है। सर इसका लिटरल मीनिंग कुछ क्लियर हो रहा है आपको? इसका क्या आपको मीनिंग समझ पा रही है किसका? टाइम इज मनी, टाइम पैसा है। सर टाइम पैसा, इसका अंदर पैसा टाइम है। क्या पैसे को हाथ में रख के आप अपना टाइम बढ़ा सकते हो क्या? किसी को आप थोड़े पैसे दो से थोड़ा टाइम परचेस कर सकते हो क्या? नहीं, ये तो कुछ अलग ही चीज़ निकल रही है। ठीक है, तो इसका कुछ अलग ही मीनिंग, इसका मतलब क्या है? इट पजेस अ सेपरेट मीनिंग, इसका कुछ अलग ही मीनिंग है, इस सेंटेंस का कुछ अलग ही मीनिंग है। सर क्या मीनिंग है ये तो बताओ। हाँ ये आपको तब पता चलेगा, आपको फिगर ऑफ स्पीच पता होगी, जब आपको फिगर ऑफ स्पीच पता होगी। हाँ तो सर वही तो हम सीख रहे हैं इस वीडियो में कि फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है। हाँ तो फिर वो बताता है कि फिगर ऑफ स्पीच का मीनिंग आपको कैसे पता चलेगा, बाय आइडेंटिफाइंग और कंपेयरिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपेयर करना वन थिंग टू अनोदर। जब आप एक चीज को दूसरी चीज क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तब आपको रियल मीनिंग आपको पता चलेगा। ये जो सेपरेट मीनिंग है ना, सेपरेट रियल मीनिंग, ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप कंपेरिजन करोगे। तो कंपेरिजन कैसे करें? हाँ यहाँ पे आपको टाइम का मीनिंग करना है मनी से कंपेयर। टाइम को आपको किससे कंपेयर करना है? मनी से कंपेयर करना है। ठीक है सर, करते हैं। सर हम कंपेरिजन किस बेस पर करेंगे? बेटा कंपेरिजन करने के लिए मैंने आपको बताया हमें किसी न किसी बेसिस की नीड होती है। तो मनी का बेसिस हमें इस जगह पे क्या लेना है?
वैल्यूएबल। मनी क्या होता है आपका? मनी होता है आपका प्रेसियस, प्रेसियस होता है, वैल्यूएबल होता है, आए ना। मनी क्या होता है आपका? वैल्यूएबल होता है और आप कह सकते हो प्रेसियस होता है। ठीक है, मनी आपका प्रेसस होता है, मनी आपका प्रेसस होता है। तो आप कैसे इसको पढ़ोगे? अब इसका रियल मीनिंग नहीं, टाइम पैसा है ना ही। अब इसको इस बेस पे पढ़ाए कंपेयर करके, टाइम इज वैल्यूएबल, टाइम इज प्रेसियस, तो इसका रियल मीनिंग ऑफ क्या निकल सकता है? लिटरल मीनिंग तो इधर टाइम पैसा है, पर ये इसका रियल मीनिंग है ही नहीं। रियल मीनिंग तो सब कुछ और ही सर। रियल मीनिंग इसका क्या है कि टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है, टाइम हमारा प्रेसियस होता है, इसका रियल मीनिंग है। सर ये कैसे बता सर? फिगर ऑफ स्पीच से सर। फिगर ऑफ स्पीच कहाँ से आएगी? अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पर आपका फिगर ऑफ स्पीच आएगा आपका मेटाफर, बट अभी हम इसको नहीं समझते, बस समझो ये जो आपको रियल मीनिंग तो पता चला है ना, ये रियल मीनिंग आपको एक फिगर ऑफ स्पीच की वजह से पता चला है। ठीक है सर, और दूसरा समझो मेरे को। हाँ, हर चीक्स आर एज पिंक एज रोज। सर उसके चीक्स इतने पिंक हैं जितना रोज होता है। सर रोज और पिंक सेम सेम कैसे हो सकते हैं? मतलब सॉरी, रोज और चीक सेम सेम कैसे हो सकते हैं? सर रोज का कलर अलग होता है, चीक का कलर सेम होता है। सर हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर आप देखो सर, क्या पिंक दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? ये मतलब पिंक तो है क्या? ये आपको रोज की तरह दिखाई दे रहे हैं क्या? सर रोज की तरह नहीं है, रोज की तरह नहीं है। तो सर यानी इसका रियल मीनिंग तो ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि हर चीक सर एज पिंक एज रोज। सर यहाँ पर रोज थोड़ी बना हुआ, सर रोज की तरह पिंक थोड़ी है, सर थोड़े बहुत पिंक है ना। इसका रियल मीनिंग क्या है? सर लिटरल मीनिंग तो ये निकला कि रोज की तरह पिंक है, पर ऐसा थोड़ी है। इसका रियल मीनिंग अगर आप देखो तो रियल मीनिंग क्या है? सर मे बी उसको ठंड लग रही है, मतलब वो ठंडी जगह पर रहती है, जिसकी वजह से उसके ब्लड की वजह से उसकी स्किन का कलर क्या हो गया है? पिंक हो गया है, बेसिकली रेड। या फिर आप कह सकते हो सर वो साय कर रही है और थोड़ा स्माइल कर रही है, वो साय कर रही है और स्माइल कर रही है। जब कोई साय करता है तो उसके गालों का रंग क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। तो वो यहाँ पर इसका मीनिंग है। इसका मतलब यहाँ पे कि जो लड़की है थोड़ा साय कर रही है, थोड़ा लड़की क्या कर रही है? साय कर रही है। तो देखो लिटरल मीनिंग इसका कुछ और ही था, कुछ और ही था, समझ में नहीं आता सेंटेंस में लिखा क्या है। बट जैसे आपने फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया तो आप समझ गए कि हाँ यहाँ पर इसका मीनिंग ये नहीं है, यहाँ पर इसका मीनिंग ये कि लड़की शर्मा रही है। सो और कुछ? हाँ नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, ये तो आपने बहुत बार सुन रखा होगा। आपकी मम्मी भी आपसे बहुत कहती होंगी कि मैंने तुमसे इतनी हजार बार कह रखा है, मैंने तुमसे हजार बार कह रखा है कि अपनी चीज़ों को अपनी जगह पर रखा करो, संभाल कर रखा करो, अपनी चीज़ों को प्रॉपर जगह पर रखा करो, बट आप उनकी सुनते ही नहीं हो। तो क्या लिखा? आई हैव टोल्ड यू थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, I have told you thousands of times to keep your things at proper place. इसका literal meaning देखो तो क्या निकलेगा कि किसी ने भी suppose करो आपकी मम्मी ये sentence कह रही है, ठीक है, तो mama have told you a thousand times to keep your things at proper place. मम्मी ने आपको thousand times, मम्मी ने आपको 1000 times बोला है कि आप अपनी चीज़ों को अपनी proper जगह पर रखा करो। तो मम्मी से पूछो, मम्मी जब ऐसा कुछ कहती है तो मम्मी से पूछो, मम्मी क्या आप ने रियल में काउंट किया है क्या ये 1000 times आप बोल रहे हो या 58 times बोल रहे हो? कि मम्मी ने कभी टाइमिंग काउंट की है क्या कि मम्मी आप कितने टाइम्स आपको पनिश कर रही हैं? नहीं ना। तो सर ये तो इसका रियल मीनिंग नहीं हुआ कि 1000 times मम्मी ने बोला है। तो मम्मी का मीनिंग क्या होता है? मम्मी का ऐसा कहने का मतलब क्या होता है कि मैं तुमसे 50 बार कहा है, मैंने तुमसे 1000 बार बोला है कि अपनी चीज़ों को अपनी जगह पर रखा करो। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? मम्मी से पूछो जाकर, मुझसे क्या पूछ रहे हो? चलो फिर मैं बता ही देता हूँ। इसका मीनिंग है कि आपकी मम्मी ने आपसे बहुत बार बोला है, 1000 times नहीं, पर इसका मीनिंग क्या है? बहुत बार बोला है, बार बार बोला है, बट आपकी आदत है कि आप मानती नहीं। उसका रियल मीनिंग क्या है? बार बार, मैनी टाइम्स। मम्मी ने आपसे मैनी टाइम्स बोला है कि आप अपनी चीज़ों को कैसे रखा करो, प्रॉपर जगह पर रखा करो। तो देख रहे हो सर,
लिटरल मीनिंग क्या होता है सेंटेंस का कुछ और ही होता है, बट सेपरेट मीनिंग जो है वो कुछ और ही निकलता है। और ये क्यों निकलता है सर, जब हम कंपैरिजन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एक दो चीज़ों को, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है। आज हम ऐसा करते हैं, एक फिगर ऑफ स्पीच कम से कम कवर करते हैं, ठीक है। पहले सर टाइप समझ लो फिगर ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं। सिमली स्माइली नहीं, हाँ आप स्माइल कर रहे हो तो अच्छी बात है, आप स्माइल कर लो, बट ये स्माइली नहीं है, ये सिमली है। सेकंड आपका मेटाफोर, नेक्स्ट आपका एंथीसिस, हाइपरबोल, पर्सोनिफिकेशन, एनोमेटोपोइया, एलिटरेशन, एनाफोर। एनाफोर अब आप यहाँ पे देख सकते हो सर, ये सेम कलर में है, ये सेम कलर में है, ये सेम कलर में है, इनका मीनिंग, इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, तभी ये सेम सेम कलर में हमने किए हैं। हाँ, इन दोनों में थोड़ा सा रिलेशन है, इन दोनों में थोड़ा सा रिलेशन है, इन दोनों में थोड़ा सा रिलेशन है, तो हम इसी ऑर्डर में कर देंगे। पहले ये दो पढ़ेंगे, फिर ये दो पढ़ेंगे, फिर ये दो पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट ये दो पढ़ेंगे, ठीक है सर। आज क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे स्माइली, नहीं, सिमली, ठीक है, पढ़ते हैं। सिमली रेफर्स टू द कंपेरिजन। सिमली क्या है, एक कंपेरिजन है। सिमली क्या है, एक कंपेरिजन है सर, कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, हैविंग वन कॉमन थिंग बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एज और सो। मतलब क्या कह रहा है, जब भी आप किसी सेंटेंस का क्या करते हो, मतलब जब भी आप किसी सेंटेंस में दो चीज़ों का कंपेरिजन करते हो, दो चीज़ों क्या करते हो, कंपेरिजन करते हो, दोनों चीज़ें कैसे होती हैं, डिफरेंट होती हैं, और आप उनका कंपेरिजन करते हो, ठीक है। बाय यूजिंग वर्ड सर, कैसे कैसे वर्ड को सर कंपेयर करते हो, लाइक लगा सकते हो, एज लगा सकते हो, सो लगा सकते हो, सर इनको बोलते हैं कंपेयरिंग वर्ड या कंपेरिजन वर्ड आप इनको बोल सकते हो, ठीक है। तो कह रहे हैं दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में कंपेरिजन करना इन वर्ड्स को यूज करके, और दोनों में ना उन दो वर्ड्स में एक चीज़ तो कॉमन होनी चाहिए, कम से कम एक चीज़ तो कॉमन होनी चाहिए। सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से समझाओ। हाँ एग्जाम्पल हम कवर करते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ लेना इसको अच्छे से। कंपैरिजन है दो चीज़ों में, और इन तीन में से किसी एक वर्ड का आप यूज़ करोगे कंपैरिजन करने के लिए, और उन दो चीज़ों में जिसमें आप कंपैरिजन कर रहे हो उन दो चीज़ों में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा, कोई ना कोई एक चीज़ तो कॉमन होगी। अगर ये तीन चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, नंबर वन क्या कंपैरिजन कर रहे हो आप, ठीक है, दूसरा दोनों में कुछ कॉमन चीज है, ठीक है, और तीसरा उनमें ये तीन वर्ड, इनमें से तीन में से कोई वर्ड आ रहा है, अगर ये तीनों से कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो आपका क्या होगा, सिमली। तो वो वहाँ पे आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा सेंटेंस के अंदर, सिमली। सर अगर बेसिकली मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर मैं आपको इसके मास्टर टेक्निक बताऊँगा। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। किंग महाराणा प्रताप फॉट लाइक अ लायन। महाराणा प्रताप फॉट लाइक अ किंग। सर यहाँ पे सेंस का मतलब क्या है, महाराणा प्रताप शेर की तरह लड़े। सर पहली कंडीशन क्या थी हमारी, जरा देखो कंपेरिजन, क्या कंपेरिजन हो रहा है क्या सेंटेंस में, हाँ महाराणा प्रताप का कंपेरिजन हो रहा है। महाराणा प्रताप का किससे कंपेरिजन किया जा रहा है, एक लाइन के साथ कंपेरिजन किया जा रहा है, ठीक है। क्या कंपेरिजन वर्ड्स हैं क्या, लाइक एज और सो, हाँ हाँ यहाँ पर हम लाइक का भी यूज कर रहे हैं, यानी कंपेरिंग कंपेरिंग वर्ड भी है, कंपेयरिंग वर्ड भी यहाँ पर है। सर सेकंड कंडीशन और थी उसकी क्या सर, कि दोनों में ना जिसमें भी आप कंपेरिजन कर रहे हो, यानी कंपेरिजन किस उसमें कर रहे हो, महाराणा प्रताप और लाइन के बीच में कंपेरिजन कर रहे हो, इन दोनों के से वन पॉइंट तो कॉमन होना चाहिए, वन पॉइंट तो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। हाँ सर दोनों में कॉमन कौन था, क्या ब्रेवरी, क्या चीज़ ब्रेवरी, दोनों ब्रेव थे, दोनों क्या थे, किंग भी ब्रेव होता है और आपका कौन महाराणा प्रताप भी आपके ब्रेव थे, ठीक है, तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, ब्रेवरी। तो सर इसमें क्या मीनिंग हुआ, महाराणा प्रताप शेर की तरह लड़े, कंपेरिजन हो रहा है दो चीज़ों का, कॉमन पॉइंट है ब्रेवरी, और थर्ड क्या आपका कंपेरिंग वर्ड यूज हो रहा है। तो इस सेंटेंस में आप बोल सकते हो कि सेंटेंस के अंदर सिमली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, सिंपली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है।
ये आपके मालना प्रताप लड़ रहे हैं, ठीक है, ब्रेव होके एकदम, किसी डर नहीं रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स और लेते हैं हम कवर, इसको अच्छे से पढ़ समझने के लिए। सर ये तो वो एग्जांपल आ गया अभी जो हमने पढ़ा था, हाँ वो आपका सिमली का एग्जांपल था। हर चीक्स आर एज पिंक एज रोज। सर इसका मतलब क्या है? अगर इसका आप लिटरल मीनिंग देखोगे तो सर इसका मीनिंग क्या निकलेगा? कुछ ऐसा, कुछ हो गया, चलो ठीक है छोड़ो उसको। हाँ हमने इसको जैसा कभी पढ़ा था, हर चीक्स आर एज पिंक एज रोज। सर हमने चीक्स का कंपैरिजन क्या, चीक्स का कंपैरिजन हम यहाँ पे कर रहे हैं सर, किससे कर रहे हैं? रोज से, रोज से कर रहे हैं, ठीक। सर कंपैरिजन तो हो रहा है सर, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन क्या आती है? वन कॉमन पॉइंट होना चाहिए, वन कॉमन पॉइंट होना चाहिए। हाँ है ना, ये पिंक सर, रोज का कलर भी पिंक होता है और उसके चीक्स भी कैसे हैं, उसके चीक्स भी कैसे हैं पिंक है, उसके चीक्स चीक्स भी कैसे हैं पिंक है, सर कॉमन पॉइंट भी है। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? वहाँ पर कंपेयरिंग वर्ड भी होना चाहिए, कंपेयरिंग वर्ड भी होना चाहिए। सर कंपेयरिंग वर्ड कौन कौन से थे? लाइक सो एज। क्या लाइक है यहाँ पर? नहीं तो सो है यहाँ पर? नहीं तो एज है, हाँ एज भी है, एज भी है, यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और आपकी ये थर्ड कंडीशन। तो अब आप कह सकते हो कि सर आपका जो, क्या कहते हैं ये जो सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर आपका सिंबली फिगर ऑफ स्पीच है सर। और समझाओ सर, एग्जांपल दो। हाँ अर्नब इज सो ट्रस्टवर्दी, इसको करेक्ट लेना ट्रस्टवर्दी, ठीक है। अर्नब इज सो ट्रस्टवर्दी एज किंग हरिश्चंद्र, एज किंग हरिश्चंद्र। वो कह रहे हैं अर्नब इतना सच्चा है, अर्नब इतना सच्चा है जितने किंग हरिश्चंद्र थे, जितने किंग हरिश्चंद्र थे। आपको पता नहीं, ये पता है नहीं पता हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा आपको, जो महाराजा हरिश्चंद्र थे ना, किंग हरिश्चंद्र, ये सच्चे थे, ये इतने सच्चे थे कि ये कभी झूठ ही नहीं बोलते थे। इनका नाम ही ऐसा पड़ गया कि सत्यवादी हरिश्चंद्र, इनका नाम ही क्या पड़ गया, सत्यवादी हरिश्चंद्र, ये हमेशा सच्चे बोलते थे। तो क्या हो रहा है देखो, इसके में भी देखोगे तो आप, अर्नब का कंपेरिजन किंग हरिश्चंद्र से किया जा रहा है। अर्नब का कंपेरिजन किससे कर रहे हैं? किंग हरिश्चंद्र से कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारा हो गया सेट से, सब कंपैरिजन हो रहा है। तो सेकंड कंडीशन क्या आती है? उनके बीच में कुछ कॉमन पॉइंट होने चाहिए, कॉमन पॉइंट है ना, ट्रस्टवर्दी। हम अर्नब से हम कह रहे हैं कि अर्नब भी ट्रस्टवर्दी है और हरिश्चंद्र भी क्या थे, ट्रस्टवर्दी थे। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये सेटिस्फाई हो गई हमारी, सेकेंड कंडीशन हमारी ये सेटिस्फाई हो गई। तो थर्ड कंडीशन क्या थी हमारी यहाँ पर? इस सेंटेंस के अंदर आपके कंपेयरिंग वर्ड यूज होने चाहिए। सर कंपेयरिंग वर्ड थे आपके लाइक सो एज, क्या लाइक यूज हो रहा है? नहीं तो सो यूज हो रहा है, हाँ सो यूज हो रहा है। तो आपका सर सो भी यूज हो रहा है, एज भी यूज हो रहा है। तो यानी कि आपका ये, आपका इस सेंटेंस के अंदर क्या कहो सर, इसके अंदर भी सिमली है, इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमली है। अच्छा सर और समझा सर थोड़ा और, हाँ समझते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो बस इतना ही है हमारा, तीन एग्जाम्पल हमारे टॉपिक के लिए काफ़ी हैं, मेटाफर हम बाद में करेंगे। अब मैं आप क्या हूँ, आपको समझ तो गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या था, बट मैं आपको एक मास्टर टेक्निक समझाता हूँ केवल, जिससे आप एग्जाम में बिना टाइम वेस्ट किए आप ये पता लगा सकते हो सर कहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको मैं मास्टर टेक्निक बता रहा हूँ, आपको ओनली ये वर्ड्स याद रखने हैं, कंपेयरिंग वर्ड, कंपेयरिंग वर्ड। अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड यूज हो रहा है, किसी भी सेंटेंस में तीनों में से कोई भी एक वर्ड यूज हो रहा है, तो वहां पर आपका सिमली होगा, वहां पर आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमली। सर बस एक ही कंडीशन देखनी है, आप तो मेरे को तीन दिन बताते हैं बेटा, वो तो मैंने समझाने के लिए कहता था, बट एग्जाम के लिए आप शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हो, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सर इससे सारे हो जाएंगे हमारे, यहाँ देखो अभी दोबारा से, ये हमारे तीनों एग्जाम्पल हैं, इनको देखो, क्या यहाँ पर कंपेयरिंग वर्ड है? हाँ। क्या यहाँ पर कंपेयरिंग वर्ड है? हाँ। क्या यहाँ पर कंपेयरिंग वर्ड है? हाँ। यानी कि जिस सेंटेंस के अंदर लाइक एज सो इन तीनों में से कोई भी एक, तीनों नहीं कोई भी एक वर्ड होगा, तो हम उस, हम कह सकते हैं कि उस सेंटेंस के अंदर सिमली फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो आज की क्लास हम कंक्लूड करते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप
व्हाट्सएप कर ही सकते हो, आपको कोई डाउट हो किसी सेंटेंस से रिलेटेड तो आप डाउट कर सकते हो, ठीक है। बाय, हैव अ गुड डे, हम ओवर करते हैं आज की क्लास, ठीक है, बाय।